बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ से। हाँ एक मिनट मैम, आउट तो मेरे पास को ऐसा नहीं आ रहा लोग लाइव है अभी। एक शुरू करूं? हाँ बिल्कुल मैम जी। नमस्कार दोस्तों, दिस इज कल्पना चौधरी, फाउंडर ऑफ सोशल टेबल्स, मैनेजिंग ट्रस्टी एंड चेयरपर्सन ऑफ जनसेवा फाउंडेशन बीइंग द चेंज एंड lagna.com. lagna.com इज अ मैट्रिमोनी पोर्टल फॉर डिफरेंटली एबल कैंसर एंड एसिड अटैक सर्वाइवर्स। अलॉन्ग विद इट आई एम ऑल्सो को चेयरपर्सन ऑफ एसोचैम स्टेट वुमेन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट काउंसिल JSDC, मेंबर एट फिक्की फ्लो CII, IEEE महाराष्ट्र, वुमेन इकोनॉमिक फोरम एंड अ टेडएक्स स्पीकर। Social Tables is committed to sustainable development program, societal well-being and environmental consciousness. We engage in global leadership, diplomacy, informative panel, inspiring speaker, impactful leaders, talent developers and engaging audience. Social Tables in association with National Innovation Foundation, Department of Science and Technology, Government of India brings to you the Innovation Talk Show, where the guest speaker for today is Shri Subhash Oleji from Jaipur, Rajasthan. He has contributed in the innovation of modified boiler and condensate heat recovery system. By virtue of using good science and intuitively smart technology, the machine was first developed to make khoya and other milk products, and portfolio of offering application was later extended to other domains like textile, milk and food, farmer, plywood, paper, mills, and hot water boiler generator. It is very cost effective and energy efficient way of recycling steam to generate power and or improving efficiency. Consequently, up to 35% lesser fuel and 50% less water is required, adding to ecology friendliness quotient of said industry and enforce reduction in energy expenditure and proportionate increase in margin, longer life of boiler, etc. He has registered his company as a startup. He was conferred with an award during 8th Biennial National Grassroots Innovation Award in the year 2005. He has also invited to be part of Innovation Scholar in Residence program. Namaste Oleji. Namaste ma'am. Kaise ho aap? बस ठीक है मैम, बिल्कुल, और बहुत अच्छा काम चल रहा है, आपकी मेहरबानी है जो भी है। अरे नहीं, नहीं, आपकी मेहनत है जी। आप लोगों को बहुत बड़ा सहयोग मिला है, और मैं एक छोटे से गांव से जो मुझे है ना इसने बाहर निकाल के लेके आए, तो ये सब आप सभी जी, आपसे भी हमें मिलकर आज बहुत ही अच्छा लगा। आपकी कहानी ने ये साबित कर ही दिया है कि इनोवेशन वो बदलाव है, और जो हम नए रास्ते हमें नए रास्ते दिखाते हैं, जिस तरह से आपने इतनी कम कॉस्ट में स्टीम को रिसाइकल करने का तरीका निकाला है, काबिलियत तरीके। मैं आज आपकी और आपकी जर्नी के बारे में और जानना चाहूंगी। इस स्प्रे काम कैसे करता है ओली, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। बहुत ही इनोवेशन जो आपने इको सिस्टम को ध्यान रखे किया है। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड काम कैसे करता है ये। मैम वाटर और फ्यूल सेव सिस्टम है। सॉरी, ये वाटर और फ्यूल सेव सिस्टम है, जिससे हमें मल्टीपर्पज फ्यूल सेविंग और वाटर सेविंग कह सकते हैं, जो सभी इंडस्ट्रीज में यूज हम इसको ले सकते हैं। इंडस्ट्रीज, फार्म इंडस्ट्री, फूड प्रोसेस इंडस्ट्री, और जो भी स्टीम यूज, जो कंपनी स्टीम को यूज कर रही है, उन सभी जगह। तो लेकर के अपन इस पानी का जो फ्यूल सेविंग है वो लगभग 95 से 98% वाटर सेविंग, और जो फ्यूल सेविंग है वो लेकर 40 से 40% से और 70% फ्यूल सेविंग इसमें हो रहा है। और ये समझना है कि
जो मैं पहले बताया गया, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही हम तक। छोटे से गांव से था, अलवर शहर से, अलवर के गांव में ओले जी, ओले जी आप, ओले जी आपकी जी। आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। हाँ मैम, आवाज आ रहा है मेरा? जी अब आ रही है, आप फिर से बताइएगा। जी आई थिंक वी लॉस्ट ए सिग्नल। ओले जी आपको मेरी आवाज आ रही है? नब्बे से और 98% वाटर सेविंग है, और फ्यूल सेविंग 40 से और 80% इसमें फ्यूल सेविंग है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेविंग है। तो इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, जिसको NIF ने, के मैं पहले ही बता गया कि आपके छोटे से गांव से NIF ने मुझे निकाल के लेके आए और इस प्रोडक्ट को एक वर्ल्ड लेवल तक उन्होंने पहुँचाया। आज इंडिया में कश्मीर को छोड़ के सभी जगह लगभग 6,000 प्रोडक्ट अपने लगभग पहुंच चुके हैं, और पर डे का 2 पीस का प्रोडक्शन है मेरे पास, जो लगभग ये माने कि 2 से 3 पीस या कभी 1.5-2 पीस या 1 पीस का प्रोडक्शन है, और ऑर्डर्स भी काफ़ी आ रहे हैं, और नेपाल या आउट नेपाल है, और जापान से भी मेरे बात चल रहा है फिलहाल, उससे पहले भी लॉकडाउन से पहले नेपाल में भी अपने 5-6 ऑर्डर से सबमिट इसमें असेंबल कर चुका हूं अब तक। और जैगरी प्लांट है, जैगरी प्लांट में लोगों को बहुत अच्छा इसमें रेस्पॉन्स मिला, जो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है ये। हाँ मैम, फिर आपको ये आइडिया कब और कैसे आया? आपकी पूरी जर्नी में ऐसी क्या चीज रही कि जिसको आपको प्रेरित किया कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए? हाँ मैम, देखो वैसे तो मैं 1984 से ही, मुझे आज भी याद है कि इंदिरा गांधी का देहांत हुआ था उस दिन, उसी समय मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने और डीसी जनरेट मैंने डिजाइन किया था, और लेकिन वो मेरे लिए एक मनोरंजन का खेल था उस समय 1984-90 के आसपास, बहुत वो एक खेल के समय चलता रहा। लेकिन 2000 मुझे पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा एक सेविंग है। तो जैसे मैंने 11th क्लास में हुआ कि 11th क्लास में जैसे केल्विन प्लैंक का कथन था कि ऐसा इंजन बनना असंभव है, ऐसा इंजन या कोई डिवाइस जिसके एग्जॉस्ट से निकली हुई गैस या वाष्प कभी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। बस मैम, वो मैं ऑलरेडी 1984 या 90 के आसपास में इसको कर चुका था, ले तो उसी समय मैं इसमें वापस लग गया, और ये काम मैंने थर्मल पावर प्लांट इसको डिजाइन किया। थर्मल पावर प्लांट से मेरा 80 पैसा पर यूनिट फ्यूल कॉस्ट आज मेरा आ रहा है इसमें, वाव, जो कि हाँ जो आज आ रहा है 4.5 रुपए। अगर आज अपन नॉर्मल थर्मल पावर जो अपने आ रहे हैं आज, जिससे अपने बिजली घरों में आ रही है, वो आ रही है 4.5 रुपए पर यूनिट फ्यूल कॉस्ट से। लेकिन 300% कम है आपकी? हाँ मैम, ये पावर प्लांट में 80 से 90% सेविंग है, लेकिन इंडस्ट्रीज में 40% से और 80% सेविंग है। वाटर सेविंग 98% और फ्यूल सेविंग 40 से, इंडस्ट्रीज में 40 से 80% सेविंग। अच्छा, ये एनवायरनमेंट को भी मध्य रखा हुआ है, आपके कॉस्ट इफेक्टिव भी है और बहुत ही यूजफुल भी है ये। हाँ मैम, इको फ्रेंडली है एक तरह से। आज जहाँ पोल्यूशन जो भी है, वो ये मानो कि ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, 80% पोल्यूशन भी कम है। आज बॉयलर से पोल्यूशन करते हैं, धुआं दे रहे हैं, अपने बॉयलर से कोई धुआं नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, कोई ये बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वो जो धुआं निकलता है वो बहुत ही कैंसेरियस होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी इनोवेशन जो है एक बहुत ही आई थिंक हमारे देश में इसकी बहुत जरूरत थी, और बहुत ही गर्व फील होता है जब
आप जैसे गांव में, जैसे आपने बताया कि मैं गांव में था और एनआईएफ ने हमें ढूंढ के निकाला और यहाँ पे आज आप हमारे साथ बैठे हो, एक बहुत ही गर्व की बात होती है कि मतलब ऐसे इनोवेटर्स भी है और जो हमें काफी लोगों को शायद पता भी ना हो, और इतने अच्छे प्रोडक्ट्स भी आप बना रहे हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत बहुत धन्यवाद आपने ऐसा मैं तो प्रोडक्ट मैं कहना चाहूँ बनाया। देखो, हाँ जो एनआईएफ है, एनआईएफ अगर नहीं होता तो शायद ये प्रोडक्ट गांव में दब के रह जाता और ये बाहर आउट बिल्कुल नहीं हो पाता। बिल्कुल जो जो फ्यूल 35 साल में समाप्त हुए कागार पे था, आज वो ऑल वर्ल्ड में या ऑल इंडिया में की इंडस्ट्रीज में इसको डेवलप कर दिया जाए तो शायद ये फ्यूल 200 से और ऊपर जा पहुंचेगा आराम से। क्यों, एक 40 से 80% फ्यूल सेविंग, गैस कोल जो भी है, बहुत बड़ा सेविंग है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी जर्नी में ऐसे क्या चैलेंजेस रहे? चैलेंज चैलेंज तो यही था कि जब मैं पावर तो हर प्लांट, किसी की जर्नी में होते हैं, हाँ ऐसे नहीं क्या चैलेंजेस थे? चैलेंज, लेकिन चैलेंज तो मैंने कभी परेशानी को सबसे बड़ा एक इनोवेशन या इनोवेटिव, सब परेशानी से मुझे बड़ा लगाव था कि परेशानी आए। मैम पावर प्लांट से मुझे क्या हुआ, एक पावर प्लांट बनाने से, एक सस्ती बिजली बनाने से मुझे ये आइडिया कि इंडस्ट्रीज में भी 40 से 80% सेविंग है। एक परेशानी आई और मुझे 70 इससे इनोवेशन मिले मुझे। ओहो ये हाँ, ये क्या था, ये एक एंटी ग्रेविटी था। मैंने ग्रेविटी को डेवलप किया, 180 डिग्री टेम्परेचर फीड किया डिवाइस में, और मैम 140 डिग्री जो वेस्ट टेम्परेचर था, कंडेंस वाटर बोलते हैं, वो हमें वापस फीड किया बॉयलर में। तो वो ग्रेविटी था, एक है एंटी ग्रेविटी, इसी से मुझे ग्रेविटी का इतना आज इंडस्ट्रीज को, और इसी से मुझे एंटी ग्रेविटी मिला। जो आने वाले समय में रॉकेट या हवाई जहाज है उसका भी फ्यूल मैम 90% कम होने का आज मुझे एक इनोवेशन मिल गया और आज वो मेरा कंप्लीट होने जा रहा है फिलहाल। वाओ, आप बता रहे थे एक चैलेंजेस की वजह से आपने 70 और इनोवेशन कुछ इनोवेट किए हैं, हाँ मैम, वो क्या है? वो मैं कंप्लीट इंडस्ट्रीज, जो भी कंप्लीट इंडस्ट्रीज है आज उसमें सेविंग आ गया। अब जैसे इंडस्ट्री को छोड़िए, इंडस्ट्रीज में लगभग 60 से 70 इंडस्ट्रीज हैं जो उसमें चैलेंज, एक चेंज आ गया बिल्कुल, 40% सेविंग से 60%। लेकिन इसके बजाय अपना एरोप्लेन है या फिर अपना रॉकेट है, आज वो ओनली 10 टन वजन होता है रॉकेट में, और वो सिर्फ और बड़ी मुश्किल से मान लो कि 500 किलो वजन ले जाता है, और उसमें 90 जो 10 टन वजन है वो फ्यूल का ही वजन होता है। तो उसमें के सारा फ्यूल का वजन है, उसका एंटी ग्रेविटी सिस्टम सही नहीं है, वो एयर से चल रहा है। लेकिन अपन ने एंटी ग्रेविटी से ऐसा डेवलप किया कि उसका फ्यूल ही 80% कम हो जाए और वाइब्रेशन भी ना हो। जैसे ए अपना आज हवाई जहाज है या एरो क्या नाम रॉकेट, उसमें वाइब्रेशन होता है। जी हाँ तो बस वही है कि एंटी बॉयलर, स्टीम बॉयलर को मैंने ग्रेविटी से डिजाइन किया है। इसी से मुझे आइडिया आया कि एंटी ग्रेविटी, एंटी ग्रेविटी में बहुत बड़ी ताकत है, वो ग्रेविटी से ही मुझे ये सब इनोवेशन सामने आया सब। अरे वाह, आप एक साइंस स्टूडेंट हो क्या, ये पूछ सकती हूँ मैं तो? नहीं मैम, मैं 10th के बाद 11th में कैल्विन प्लांक का कथन था, मैंने फिर दोबारा बताया, कैल्विन प्लांक का कथन था, फ्रांस से थे वो, मैंने 11th में पढ़ा था उसका। तो उन्होंने उनका कथन था कि ऐसा इंजन बनना या कोई डिवाइस जिसके एग्जॉस्ट से निकला हुआ वाष्प या गैस कभी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, मैं वो हो सकता था। मैंने 1984 में उसको करके, और एक मनोरंजन के रूप में, मेरे गांव में लाइट नहीं था अच्छा, तो मैंने डीसी जनरेटर डेवलप कर लिया था उस समय में, 1990 की बात है ये। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब। मतलब ये आपने साबित कर दिया कि आपको अगर कुछ आइडिया हो और आपके दिल में जज्बा हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ मैम सही है, मैंने काम किया है, और इसको मैं तो एक मानता हूँ, कोई भी आइडिया हो कभी मन में लेके नहीं बैठना चाहिए और उसको लगातार करना चाहिए। अभी मैंने बताया कि जो लेकिन एयर, हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप राजस्थान एक गांव में हो, तो आप, हम ये जानना चाहेंगे, आप इस दौरान में जब आप ये प्रोसेस कर रहे थे, इनोवेशन कर रहे थे, आप एनआईएफ से कैसे जुड़े और आपकी जो एनआईएफ के साथ जो जर्नी रही वो कैसे रही? मैंने एक साथ में ऐसा जोड़ा कि पहले ये प्रोडक्ट बना को गांव में कोई सुंदर राम जी थे, तो उन्होंने एनआईएफ को किया कि ऐसा ऐसा कोई स्टीम बॉयलर है जो पहले लकड़ी या गैस या कोयला, लगभग 14, आज भी मेरे याद है कि 14 क्विंटल, या हम कह सकते हैं कि 1.5 टन, 1.5 टन पर डे वो कोल और गैस लकड़ी ले रहा था। जैसे ही उसके सामने हमारा बॉयलर गया तो वो सिर्फ
1.5 डेज चल रहा है, 5 दिन। वाव, तो उसमें बहुत बड़ा दिख रहा है और उनके सामने आया है सब कुछ। तो NIF ने ज्यादा टाइम जाया नहीं किया, ओनली मैं कह सकता हूँ कि एक से और एक साल में राष्ट्रपति अवार्ड से इसको सम्मानित किया इस टेक्नोलॉजी को। और 1900 लगभग यह है 2019 में थाईलैंड से इसको वर्ल्ड अवार्ड से इसको सम्मान मिला है। अरे वाह, और, बहुत बधाई। और अक्षय कुमार जी ने भी 5 लाख का इसको एक अवार्ड से सम्मानित किया है, जो बहुत अच्छा लगा। जो शायद लॉकडाउन में मैंने मिशन मंगल देख करके और उनका जो एक रॉकेट या मैं अभी बताया था जो हवाई जहाज, उनका मिशन भी शायद संभव होने वाला है। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी तकनीक हुआ एंटी ग्रेविटी से जो अपना एरोप्लेन चलेगा, जो बहुत ही फास्ट होगा, दौड़ने में भी उठने में भी साइलेंट होगा बिल्कुल, जिसका मैंने नाम दिया है NFO और कंपनी भविष्य में होगा जिसरो। क्या नाम दिया है आपने? जिसरो। जिसरो, जिसरो। एक तो इसरो तो अपना इंडिया का ऑलरेडी है ही पहले, और इसका मैंने जिसरो दिया है। जीनियस एनर्जी अर्थ एंड स्पेस रिसर्च ऑब्जेक्ट। वाह, बहुत ही ज्यादा गर्व फील हो रहा है कि आप एक पहले हो जो ऐसा कुछ इनोवेट किया है, एंटी ग्रेविटी और वाइब्रेशन भी, अब वो आवाज भी नहीं करती आप एक। हाँ, बिल्कुल, मैं कोई आवाज नहीं करेगा और शायद इसी महीने में लास्ट तक वो आपके सामने होगा। ओहो, हम भी राह देख रहे हैं इस चीज के लिए, और इसके बाद जरूर और एक इंटरव्यू करके जानेंगे कि वो कितना और सक्सेसफुल हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो। ओके, थैंक यू। और आपका जो इनोवेशन है, आज एक प्रोडक्ट बन गया है, वो काफी जगह इस्तेमाल होता होगा, तो आप इसका क्या मेंटेनेंस होगा, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, लोग कैसे इस चीज को यूज कर सकते हैं, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसकी क्या ट्रेनिंग होती है, आप थोड़ा ये सब विस्तार में बता सकते हैं? मैम, इसमें कोई ज्यादा ट्रेनिंग की बात नहीं, जो रूरल एरिया है उसमें हम ऑलरेडी यूट्यूब पे दे रहे हैं उनको ट्रेनिंग के लिए। और सब जानते हैं कंडेंस वाटर वेस्ट था पहले, अब से पहले अगर 1 टन का बॉयलर है तो उसको पर आवर 800 लीटर पानी फीड, नया पानी चाहिए। लेकिन हमारे में क्लोज सिस्टम होने से कोई पानी की जरूरत नहीं है, लाइफ में 1 टाइम पानी की जरूरत पड़ती है इसमें। तो एक क्लोज सिस्टम होने की वजह से 1 दिन की हम ट्रेनिंग उनको देते हैं और वो सब उसी से होता है। और जो ऑलरेडी कोई बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है जैसे फार्म इंडस्ट्रीज, तो उसको भी हम 1 दिन का वो करते हैं। एक क्लोज सिस्टम होने से उनको ये सब कुछ, इसमें मेंटेनेंस ही नहीं है सबसे बड़ी बात है। मेंटेनेंस कब आता है, जब फीड वाटर, अगर नया पानी हम बार बार फीड करेंगे तो फ्लोराइड और नमक बार बार आएगा बॉयलर्स में, और उसको केमिकल से उसको साफ किया जाता है, तो वो सब मेंटेनेंस जीरो हो गया। क्यों? लाइफ में पानी अगर एक बार डालेंगे तो वही पानी रिसाइकिल होता रहेगा, उसमें कोई। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ जी 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 जी, तो उससे लोगों को बहुत ही, हाँ, तो समझने में कोई ज्यादा इतना इशू नहीं हुआ उनको। और बहुत खूब, मतलब वही पानी आप रिसाइकल कर करके आप वही चीज यूज कर सकते हो। हाँ मैम, तो वो सेव कर भी, आई मीन पानी को भी आप सेव कर सकते हो। क्या बता रहे हो मैम? पानी भी बहुत सेव हो जाता है इसके वजह से, आप रिसाइकल कर ही रहे हो। हाँ, 98% जितने आज मान लो कि अदर कंपनी थर्मैक्स कंपनी है या वर्ल्ड वाइड कंपनी है थर्मैक्स, जितना पानी वो 1 घंटे में यूज लेती है, इतना पानी मैं 10 साल में यूज नहीं ले रहा हूँ उस बॉयलर से। वाओ, हाँ, बहुत खूब, ये जान के मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा, कितना पानी हम लोग सेव कर सकते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट फिर आपने कैसे इस चीज के बारे में प्रचार कर रहे हो, बिकॉज अगर आप जब कह रहे हो कि एक ही साल में आप 10 साल तक यूज नहीं करते हो, जितना वो लोग एक दिन में यूज कर लेते, तो फिर इस चीज को आप कैसे इंडिया में इसकी जो मार्केटिंग है इसके बारे में बात कैसे कर रहे हो, और यहाँ कैसे पहुंचा रहे हो, ताकि हम काफी पानी सेव कर सकते हैं, एनर्जी सेव कर सकते हैं, पोल्यूशन के लिए भी बहुत ही सही है ये, ओवरऑल एक बहुत ही क्या बोलते हो, वन प्रोडक्ट और ज्यादा बेनिफिट वाला प्रोडक्ट है, तो आप इस चीज को कैसे आप लेके जा रहे हो? हाँ, इसमें मैंने आज तक शुरू से ही मैंने कोई मार्केटिंग नहीं किया, ना मैंने इतना मार्केट के लिए पैसा वेस्ट किया। मैंने राजस्थान में एक प्रोडक्ट भेज दिया, बीकानेर भेज दिया, महाराष्ट्र भेज दिया, जहाँ एक प्रोडक्ट चलेगा उस प्रोडक्ट से ही मार्केटिंग हो, क्योंकि उसका जो फ्यूल सेविंग था बहुत बड़ा सेविंग था, कुछ अलग हटके, जिसमें फीड वाटर पंप होता ही नहीं है।
तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि फीड वाटर पंप बॉयलर में है ही नहीं। आज मैम आप कहीं भी आप ट्राई करोगे तो आप कहेंगे मुझे बिना फीड वाटर का बॉयलर चाहिए, तो मैम आज आपको ऑल वर्ल्ड में मना कर देंगे कि ऐसा तो बॉयलर होता ही नहीं है जिसमें फीड वाटर पंप है ही नहीं, मतलब वो मना करेंगे आपको। तो ये मेरा सबसे बड़ा इसमें मार्केटिंग का वो था, इसमें हर जगह मैंने एक एक पीस भेजा और वो ही मेरा मार्केटिंग बन गया। तो इसमें हाँ आज मेरा आज से मान लो 2015 में मेरा टर्नओवर था सिर्फ ये बड़ी मुश्किल 1 लाख पर ईयर्स का, आज है टर्नओवर लगभग 7 से 8 करोड़ का पर ईयर। हाँ लगभग वाओ वेरी नाइस। और इसकी कॉस्ट क्या रहेगी? कॉस्ट मैम लेकर के 80,000 से स्टार्ट है और लगभग एक आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ इससे 80,000 से स्टार्ट है, 1 लाख से और 1 करोड़ तक का इसका इसका अमाउंट है लगभग, मतलब वन सीटर तक कैपेसिटी। है, हाँ कैपेसिटी कैपेसिटी के हिसाब से। हाँ के हिसाब से। तो मतलब अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है सारे इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि जहां पे ये लोग करोड़ों रुपए की मशीन भी लगाते हैं और वो पोल्यूट भी करती है और वो मैम इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट हाँ होती है। हाँ हाँ उनका उनका क्या होता है, उनका जो रिफंड जो आता है पेमेंट का वो आता है 5-6 साल में, अपने बोल से सिर्फ एक ही साल में उनका कॉस्ट फ्री हो जाता है उनका, अरे ये वाह। एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो आपने कभी सोचा है ऐसी इंडस्ट्रीज के पास भी जाके अप्रोच करें और बताएं ये सारी चीजें, बिकॉज ये तो बहुत ही जरूरी है। मैम आई जितना थिंक मेरे से नीड हुआ ऑफ उतना मैंने जितना मेरे से आज तक हो पाया प्रोडक्ट उतना मैंने किया और कोशिश कर रहा हूँ कि ये शायद 2 महीने बाद में इसको मैं पर मंथ पे 5 करोड़ पे शायद हम ले जा सकते हैं इसको। फिर उसी हिसाब से हमने इसको डिजाइन किया है, इसका प्रोडक्शन का काम बढ़ाया है, तो शायद ये 2 महीने बाद में इसको हम 4 से 5 करोड़ पर मंथ पे ले जा रहे हैं इसको, और कोशिश करें कि हर इंडस्ट्रीज में पहुंचे। हम भी उम्मीद यही करते हैं कि हर जगह पहुंचे, हर एक इंडस्ट्री आपके ये जो प्रोडक्ट है वो यूज करे। आप ये बताएंगे अगर जैसे हमारे काफी सारे दर्शक हैं और बाद में भी जब हम लोग यूट्यूब में और बाकी सोशल मीडिया में शेयर करेंगे तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, शायद कोई यू नो एज अ स्टार्टअप आपके वहां पे इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे या आपसे प्रोडक्ट भी खरीदना चाहेंगे, तो वो आपको किस नंबर पे कांटेक्ट करे, क्या ईमेल आईडी है, कहाँ पे ये लोग कांटेक्ट कर सकते हैं? सुभाष ओला एक मिनट, वन SUBASHOLA, वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 एट द gmail.com। @gmail.com। और हाँ कांटेक्ट नंबर आपका बताएंगे? 99 29 9929 09290625632563। 06 2563। हाँ थोड़ा इंग्लिश मेरा कमजोर है इसलिए थोड़ा नहीं, आपने ऐसा वो बता दी बोल 99 29 आपने कहा तो मैं सोच में पड़ गई, अभी तो मिल ठीक के है। आ ओके ओके रही थैंक हूँ। अच्छा, दोस्त हु वॉन्ट टू कनेक्ट टू सुभाष ओला जी, यू कैन कनेक्ट टू हिम एट SUBASHOLA1234@gmail.com, SUBASHOLA@gmail.com, एंड इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9929062563, ओके 9929062563। सही है मैम बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा, अभी बिफोर हम कंक्लूड करें इस शो को, आप हमारे जो ऑडियंस है उनको क्या कहने जाओगे? आजकल हमारे युवा भी है, काफी सारे इनोवेटर्स हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तब वो लोग कोई आपके जैसे होते जो आगे बढ़ जाते हैं और कोई हिम्मत हार लेते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैम सबसे बड़ी पहले तो मैं चैलेंज ये देना चाहूँगी कोई भी काम हो और कोई भी अगर इनोवेशन दिमाग में है तो उसको ठीक है, कोई सा अगर काम है आप आपकी आवाज नहीं आ रही है। उसको करना बहुत उसके लिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए और उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अगर कंटिन्यू रहेगा तो उसमें ये सब कुछ उसके टारगेट होना चाहिए, हमें काम करना है सबसे बिल्कुल। पहले। फिर उसके बाद आता है फंड। मैंने कभी फंड का इशू ही नहीं किया, मेरे पास बहुत पैसा कोई पैसा नहीं था, लेकिन मैंने एक मुझे ये करना है, वो पैसा कहाँ से आएगा मुझे नहीं मालूम है। मैंने ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास एक डेयरी था जो पशुओं का होता है दूध मिल्क का, जी जी और जी उसी से मैंने इस काम को यहाँ तक पहुँचाया है, गाय और भैंस ऐसा बफेलोज उसके मिल्क से इसको काम को पहुँचाया। तो लोग कहते थे कि यार आपके जो पावर प्लांट है ये तो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, आपके पास तो आज 1,000 या लाख रुपए तक का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो
मुझे ना, मैं करता रहा, मुझे वो सब कुछ ऐसे याद, जैसे अक्षय कुमार जी हैं जैसे NIF में, या फिर सब मेरे गांव के लोग, या फिर और वो सब ऐसे ही होता रहा और ये सब हो गया सब, ये सब तो मैंने कभी फंड के लिए नहीं सोचा। मैंने एक टारगेट लिया, मुझे ये करना है, मैं किया उस काम को और उसको कंटिन्यू ही जो लगातार जो मेहनत है वो लगातार करते रहना, वो सबसे बड़ी बात है इसमें। बहुत खूब कहा आपने ओला जी, बिकॉज ये बहुत ही जरूरी है कि पहले आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, ना ही कि आप ये देखिए कि इस प्रोडक्ट को अगर मैं लॉन्च करूंगा तो मैं कैसे करूंगा और इसका जो हाँ सही, टर्नओवर होगा वो कैसे होगा। जब इन चीजों में जाते तो पैशन कम होके ज्यादा कुछ और चीज हो जाती है, ओके लेकिन जब सही, पैशन फॉलो करते तो वो चीज ही एक अलग निकल खूबसूरती से निकल के हाँ आती जब काम है, करते हैं वो निकल सब उसका सॉल्यूशन निकल जाता है अपना ऑटोमेटिक। ही जाता है। वही वो कहते हैं ना कि चलते रहो और मंजिल बस अपने आप बस मिली जाती बिल्कुल है। मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम, आप द ट्रू साइन ऑफ इनोवेशन इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। मिस्टर सुभाष ओले जी हैज प्रूव्ड दिस बाय इनोवेटिंग द बॉयलर एंड कंडेंसेट हीट रिकवरी सिस्टम व्हिच हैज मेड द कॉस्ट इफेक्टिव एफिशिएंट यूज ऑफ स्टीम रिसाइकलिंग पॉसिबल। वेल दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच एन अमेजिंग ऑडियंस। लेट मी टेक एन अपॉर्चुनिटी टू गिव यू ऑल वर्ड ऑफ थैंक्स। दे से द इनोवेशन इज एनी चेंज बिग और स्मॉल दैट मेक्स अ डिफरेंस। टुडे वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट हिम। For sending your reviews and suggestion, please do connect to us at tablesocial@gmail.com and info@nifindia.org। ओले जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा थैंक आपकी यू जर्नी मैम, के बारे में सुन के और आपके बारे में बहुत सारी डिटेल में बातचीत हुई है, और मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हम भी चाहेंगे कि विदाउट वाइब्रेशन हमारे सफर भी एक बहुत अच्छी फ्लाइट में हो। बिल्कुल बहुत ही और जल्दी आएगा ये बहुत ही जल्दी आ रहा है, और जी कोशिश करेंगे कि इसका क्या बोलते हैं आप, मुझे इंग्लिश इतना आता नहीं, जिसका इनोग्रेशन शायद अक्षय कुमार जी करेंगे, उनका मिसल मंगल था हाँ लॉकडाउन में, मिसल मंगल देखा, इस फाइल को मैंने उठाया और ये हो गया। और ये सारी जो आप लॉकडाउन में आपने नया इनोवेट किया है। नहीं ये मेरा प्रोजेक्ट पहले से तैयार था, लेकिन मैं इसको कर नहीं पाया, समय नहीं मिल पाया, काम बहुत ज्यादा है, तो उस लॉकडाउन में ये हो पाया मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे अक्षय ओके, कुमार जी इनॉगरेट करें और आप हमें भी इनवाइट करेंगे। नहीं बिल्कुल होगा, और ये मेरा विश्वास है वो जरूर आएंगे। मेरा भी बहुत ही विश्वास है आपके ऊपर, ये जरूर ओके होगा। ओके आप बस आगे बढ़ते जाइए, ओके मैम, हमारा थैंक साथ है आपके साथ जी। धन्यवाद ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।